We are here for a big moment. But that moment, जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो. स्वागत है आप सबका. अच्छा होने दीजिए. वन ऑन वन जब हम उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है. मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बेहतर हूँ. पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं. 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ी. हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी. गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी. अरे सब कुछ मेरे आने के बाद. क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर RMG और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें. और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना है बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया. हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही है. ये आप पेन दीजिए. पहले तो दाग दे लीला. सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे. अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते. पीएम के साथ गेम खेल, आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी. को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए. तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी. Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ. मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए. लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे. I think Indian gaming peak. मम्मी पापा, तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ खेल के आया है.